हे गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों से शेयर करने वाला हूँ इंडिया में आखिर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सबसे पहले तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। और दूसरा, एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप सभी लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज हम लोग जो ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके पीछे की कहानी आज से 200 साल पहले यानी कि 1800 सन की है। उसी टाइम सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन थॉमस एल्वे एडिशन के द्वारा किया गया था, जो कि सिंगल फेज 110 वोल्ट डीसी सप्लाई थी। और इसी के कुछ साल बाद एसी सप्लाई का इन्वेंशन यूके के निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था, जो कि थ्री फेज 110 वोल्ट 60 हर्ज का इस्तेमाल करते थे। अब आखिर 60 हर्ज इस्तेमाल करने का रीज़न बस इतना ही था कि उस टाइम जो आर्क लैंप का इस्तेमाल होता था ना, वो आर्क लैंप 60 हर्ज पे बहुत अच्छे तरीके से ग्लो हो पाती थी। गाइस, जैसे जैसे टाइम बीतते गया, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये दोनों कंट्री ने आपस में समझौते कर लिए कि हम लोग दो जो है 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ही इस्तेमाल करेंगे, और यूएसए वाले जो है 110 वोल्ट इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए, और यूके वाले थ्री फेज 110 वोल्ट एसी का इस्तेमाल कर दिए। लेकिन अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है यूके में प्रॉब्लम आने लगा बहुत, और वो प्रॉब्लम था एल्युमिनियम और कॉपर का। ये जो है बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाता था, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई जाती थी, कंडक्टर जो है आसानी से मिलते नहीं थे। अब यूके के साइंटिस्ट लोग डिसीजन ले लिए कि हम लोगों का जो वोल्टेज है वो 110 वोल्ट से वो 220 वोल्ट कर देंगे, क्योंकि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि हमारा करंट डिक्रीज होगा, और करंट अगर डिक्रीज होगा तो हम लोग जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कॉपर या एल्युमिनियम, वो भी जो है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो इसके बाद से ही गाइस ये जो है 110 वोल्ट से ये 220 में कन्वर्ट कर दिया गया। अब गाइस धीरे धीरे जो है बहुत सारे मशीन्स जो है इन्वेंट होने लगे थे, मोटर इन्वेंट होने लगे थे, बहुत से ऐसे फैक्ट्रीज भी स्टार्ट हो गई थी जहाँ पर मोटर की इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और उस टाइम क्या देखा गया कि जब हम लोग 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे किसी भी मोटर को रन करवाते हैं तो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वो जो मोटर है उसका हिस्टेरेसिस लॉस और आयरन लॉस जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, यूके के, उन्होंने अपने जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को 60 हर्ट्ज से जो है 50 हर्ट्ज कर दिया, जिससे क्या हुआ, हिस्टेरेसिस लॉस और जो आयरन लॉस है ये दोनों जो है डिक्रीज हो गया। तो गाइस अब देखिए इसमें दो चेंजेस देखने को मिले, एक जो है वोल्टेज और दूसरा फ्रीक्वेंसी का। तो गाइस जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि ब्रिटिश लोग वो जो है 150 साल से हमारे इंडिया में राज कर रहे थे, और सबसे पहला पावर प्लांट जो है इंडिया में बैठाए थे, और वो पावर प्लांट जो है थ्री फेज 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे रन करती थी। और इसके बाद इंडिया में जितना भी मैन्युफैक्चरर कंपनीज वगैरह खुलना स्टार्ट हो गया ब्रिटिश के टाइम पे, तो वो जो है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही सारा बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिसके वजह से आज तक हम लोग जो है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो गाइस ये जो भी बातें मैंने बताया यही है असली रीजन 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का बारे में। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।